आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वतंत्रता सप्ताह एवं हर घर तिरंगा कार्यक्रम के आयोजन को भव्य रूप से मनाए जाने हेतु तिरंगा यात्रा के रैली का शुभारंभ बुधवार को दिनांक 10 अगस्त 2022 को ऐरोली प्राथमिक विद्यालय से राजापुर तक निकली गयी। आजादी का 75वां वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने के क्रम में बृहद तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा को पूर्व विधायक अलका राय जी व मोहम्मदाबाद की SDM हर्षिता तिवारी ने तिरंगा दिखाकर शुभारंभ किया। इस तिरंगा यात्रा का आयोजन ग्राम प्रधान ऐरोली मनीष जायसवाल के नेतृत्व में किया गया। संयोजक सतीश चंद्र राय और भाजपा मंडल अध्यक्ष प्यारे मोहन यादव जी रहे। इस अवसर पर SDM हर्षिता तिवारी, पूर्व विधायक अलका राय एवं ग्राम प्रधान मनीष जायसवाल और अन्य लोग प्रतिभाग करते हुए अपने अपने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर देशभक्ति के गगनभेदी नारों के साथ पूरे जोश के साथ आगे बढ़ते गए। तिरंगा प्राथमिक विद्यालय ऐरोली से राजापुर तक पहुंचकर समाप्त हुई। तिरंगा रैली के दौरान मौजूद रहे सभी लोगों में देशभक्ति उत्साह देखने को मिल रहा था। इस मौके पर मोहम्मदाबाद SDM हर्षिता तिवारी ने बताया कि आगामी 11 से 17 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह एवं 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम का भव्य आयोजन करें। उन्होंने उपस्थित लोगों का आवाहन करते हुए स्वतंत्रता दिवस के दिन हर घर में तिरंगा फहराने की अपील करते हुए पास पड़ोस क्षेत्र गांव नगर में भी लोगों को घर घर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित करने को कहा। SDM हर्षिता तिवारी ने कहा कि आज इसी भावना के साथ आप लोग अपने अपने घरों में जाकर आसपास पड़ोस में लोगों को भी स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर झंडारोहण करते हुए राष्ट्र के प्रति देशभक्ति की भावना को जागृत करेंगे तथा अपने देश की आन बान और शान को कायम रखते हुए इस तिरंगे को कभी भी झुकने नहीं देंगे। गाजीपुर से रिजवान अंसारी की रिपोर्ट।